आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आज हम बात करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या रोल है। तो ओके क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स लिए और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स डालते हैं, अब मुझे पता करना है कि इस नंबर में से कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 50 है। जस्ट मुझे पता करना है कि विच नंबर आर ग्रेटर देन 50। तो उसके लिए ओके जस्ट आप इक्वल प्रेस करें, नंबर को सिलेक्ट करें, ग्रेटर देन 50 लिख के एन पे प्रेस करें, रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स में आया। तो आप जो है चेक कर सकते हैं कि जहां पे ग्रेटर देन 50 है वहां ट्रू आया, जहां पे ग्रेटर देन 50 नहीं है वहां पे आ गया फॉल्स। तो इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स लगा के आप जो है चेक कर सकते हैं अपनी कंडीशंस को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे इसके जगह पे अपना ओके पेनिंग जैसे खुद का मैसेज चाहिए। तो ऐसी चीजें भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें लगाना होगा इफ का फॉर्मूला, इक्वल इफ। इफ फॉर्मूला में हमने ट्रू को सिलेक्ट कर लिया और अपना रिजल्ट इसमें ओके डालना है तो इन्वर्टेड कॉमा में ओके कर दिया, और पेंडिंग डालना है तो यहाँ पे हमने पेंडिंग कर दिया, राइट। तो अगर B2 पे ट्रू हुआ तो ओके को शो करेगा और फॉल्स हुआ तो पेंडिंग को शो करेगा। कैसे? अब यहाँ पे एंटर प्रेस करें, आ गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने अलग क्यों लगाया, हम यहाँ इकट्ठे इफ लगा सकते हैं कि इफ इसको सेलेक्ट किया अगर एक ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे ओके, अच्छा पेंडिंग, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। तो बेसिकली ये जो है इफ कभी नहीं कहता है कि आप यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लगा, इफ कहता है कि यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स देना है। क्या देना है? ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन हम लोग एक कॉलन बचाने के लिए डायरेक्ट इफ में इस तरह की चीजें लगा दें, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान से देखिए कि कभी फॉर्मूला हम लगाते हैं कोई भी फॉर्मूला तो हम इक्वल से या प्लस से शुरू कर सकते हैं, या प्लस से भी शुरू कर सकते हैं, हालांकि शुरू तो माइनस से भी होता है, लेकिन रिजल्ट चेंज हो जाता है और जनरली हम इक्वल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। और यहां हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका लिस्ट आ जाएगा, आप एरो की से ऊपर नीचे करेंगे तो आपके फॉर्मूला सेलेक्ट होगा। जिस फॉर्मूले को सेलेक्ट करोगे उसके बारे में एक तरह से डेफिनेशन कर लीजिए या परिभाषा कर लीजिए, यहां दिखेगा। अब टैब प्रेस कीजिए, टैब प्रेस करते फॉर्मूला लग जाएगा, लग गया सर। तो ये फॉर्मूला हमारा लग गया। अब यहां पे जो नीचे दिख रहा है उसको बोला जाता है साइन टेक्स्ट, या आम भाषा में कहिए कि इनपुट्स। इस फॉर्मूले के अंदर में इतना तरह का इनपुट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? जी हाँ, इनपुट चाहिए होगा, क्लियर है। इनपुट हाँ, मैं ये चाहिए कि आप दे, फिर लॉजिकल टेस्ट तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, दूसरा आता है वैल्यू ऑफ ट्रू, तो तीन ही इसमें, तीन है तो तीन डलेगा, मैक्सिमम तीन डलेगा इसमें, मतलब समझ गए। तो जितने नीचे इनपुट दिखाएंगे, जैसे जैसे आप कॉमा करेंगे वो बोल्ड होता जाएगा, अभी बोल्ड हो गया मतलब कि हम वैल्यू ऑफ ट्रू डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जितने हैं उतने लेंगे, तो जितने हैं उतने नहीं, उतना मैक्सिमम होगा। अब इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स है, लेकिन लॉजिकल टेस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि लॉजिकल टेस्ट जो है इट्स रिक्वायर, समझे। हाँ पड़ेगा सर, कंडीशन यदि नहीं मिलेगा तो ट्रू फॉल्स हाँ होगा, मिलेगा तो ट्रू हो हाँ तो जाएगा। मैं ये चीज नहीं, मैं ये समझा, जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका सिंटैक्स दो तरीके से होता है, एक जो है बिना स्क्वायर ब्रैकेट का होता है और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट का होता है, समझे।
आया कि नहीं समझ में आया आपको? तो आया जो ये ये तो समझ स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट में है वो ऑप्शनल है, मतलब उसको डालना जरूरी नहीं है, नहीं भी डालेगा तो काम चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ लगाता हूँ इफ, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देके ग्रेटर देन 100 कर दिया और एंटर मार दो। अभी नहीं रहा एंटर, क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि हमने कॉमा नहीं दिया। जब हम कॉमा देंगे तो लॉजिकल टेस्ट हो गया कंप्लीट, मतलब आप एंटर मार सकते हैं, रिजल्ट जो डिफॉल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी के दो कंडीशन क्या है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट जो है वो आएगा। समझ गए? तो ये हर फॉर्मूला में होता है। जैसे वी लुकअप लगा रहे हैं तो वी लुकअप के अंदर भी देखिए लुकअप रेंज, तो ये इंडिकेशन होता है। अब चलिए हम इफ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां मुझे सीरियल नंबर है, यहां मेरा नेम है और एड्रेस है और बहुत सारी टाइप कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे वन लिखते हैं, नेम में यहाँ पूजा देते हैं, ठीक है, और एड्रेस जो डालना है F201 जो डालना है डालते हैं, ठीक है, डालते हैं सर। अब यहाँ पे फिर दो दो डालेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं नाम टाइप करूं सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली बन जाए। सीक्वेंस नंबर क्या बन जाए? ऑटोमेटिकली बन जाए। ऑटोमेटिक बन जाए। सीक्वेंसर मतलब सीरियल नंबर। हाँ, सीरियल नंबर, मैं 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ, और इसको सेलेक्ट करेंगे कि सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन, थ्री इज ग्रेटर देन वन क्या है, जीरो जीरो, मतलब कि अगर उसमें कुछ सेल टाइप है, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है। ओके, अगर ऐसा हुआ तो ऊपर वाली वैल्यू यहां पे कॉमा दीजिए, अगर जीरो से बड़ा है मतलब कुछ टाइप है तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दें, ठीक है, अदरवाइज इन्वर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज करके हमने ब्लैंक कर दिया। हमने क्या किया? ब्लैंक कर दिया और फिर एंटर प्रेस किया और इसको कॉपी करके नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दीजिए। जैसे मैं यहां लिखूंगा ओम, ये 2 आ जाएगा। 2 क्यों आया? क्योंकि हमने बोला i3, मतलब कि जो नेम वाला कॉलन है अगर वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कब होगा? जब उसके अंदर हम कुछ टाइप करें। उसके अंदर क्या करेंगे? टाइप करेंगे सर, समझे? ऐसा हुआ तो ये अपने ऊपर S2 में क्या कर देगा? प्लस वन, तो 1 + 1 = 2। अब नीचे हमने यहां पे लिखा उदय, अब क्या करेगा वो? 2 + 3, 1 + 2 + 1 = 3। ऐसे कंटिन्यू, जैसे टीना लिख दिया तो टीना के दे दिया, मोहन लिख दिया, मोहन कहा गया ना सर। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस नंबर, आईडी नंबर वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है? अब इसी में एक चीज और है कि मुझे अगर सीरियल नंबर की बात चली तो मैं चाहता हूं कि मेरा सीरियल नंबर बने फ्रॉम, और यहां पे 2, मैंने यहां पे 2 कर दिया, मतलब कि मैं चाहता हूं 1 से लेके यहां पे 15 तक, या जो भी नंबर है। तो स्टार्टिंग नंबर के लिए इक्वल हमने इसको सेलेक्ट करके लिंक कर दिया, ठीक है, और यहां पे हम करते हैं इफ, इफ कंडीशंस में ब्रैकेट ओपन, हमने बोला कि इसमें जब हम प्लस करेंगे
वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन है यहाँ मैक्सिमम से, तो क्या करें, इन्वर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज क्यों कर रहे हैं बताइए। L5 प्लस नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वन वो सब की बात नहीं, ये हमने इसको क्यों डाला हो। L5 से नहीं, ब्लैंक शो करने के लिए, आप देख रहे ब्लैंक शो कर रहा है ना यहाँ पे, हमने क्या लगाया हुआ है फॉर्मूला, ये लगाया हुआ है ना। तो जैसे आपको कुछ प्रिंट नहीं करना है, जस्ट ब्लैंक छोड़ देना है, क्या छोड़ देना है, ब्लैंक ब्लैंक छोड़ देना है। तो उस केस में आप ये रखिए, फिर यहाँ हमने क्या किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर, एंटर प्रेस कीजिए, टू आ गया। अब नीचे ड्रैग करना है, पर प्रॉब्लम है कि जो हमारा ओ टू है 15 है, वो फिक्स लोकेशन है ना, तो इसको मैं फ्रीज करना होगा ताकि ओ टू ए 3 नंबर है नीचे ड्रैग करने पे। अब नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर दिया एक संभावित एरिया, पर हुआ क्या, एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, एरर हुआ क्योंकि ये क्या है, ये आपको ब्लैंक दिख रहा है लेकिन ये ब्लैंक टेक्स्ट वाला एबीसीडी वाला ब्लैंक है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा लग गया, इसका मतलब कि वो आपका टेस्ट टेक्स्ट हो गया, उस पर कैलकुलेशन नहीं होगा। मतलब जैसे यहां कर रहा है L20 प्लस 1, L20 मिल रहा है उसको ABCD, उस पर प्लस वन नहीं कर पा रहा, एरर दे रहा है। तो ऐसे एरर आएंगे, तो मुझे इस एरर को इग्नोर करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम डाल देंगे इफ एरर के फॉर्मूले में, किसमें, इफ एरर। अब इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है, इफ एरर कहता है कि मुझे दो इनपुट दो, एक में अपना फॉर्मूला दे दो और दूसरे में बताओ कि अगर फॉर्मूला एरर दिया, मैंने फॉर्मूला किसी तरह का कोई रिजल्ट ना दे कि एरर है, हैश वैल्यू, हैश एनए, हैश डीआईवी 0, इस तरह का कुछ एरर दिया तो क्या प्रिंट करो। तो मैंने इफ एरर में डाल दिया, तो इफ एरर चेक करेगा अगर ये इफ फॉर्मूला रिजल्ट दिया तो रिजल्ट ही शो कर देगा, अगर एरर दिया तो ये जो ब्लैंक है ना ब्लैंक शो कर देगा। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, देख हट गया। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां कुछ नहीं है, बट यहां पे फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, कैसे ऐसा दिख रहा है, ए ब्लाइंक की मदद से, इनवर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज हमने डाला हुआ है ना, इस ब्लाइंक की मदद से। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा लिखा है फिर पहले से क्या देखिए ना ऊपर किया फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है ना, देखिए ना ऊपर फॉर्मूला, वन पे रखिए सर, वन पे रखिए सेम फॉर्मूला है। वन पे तो जस्ट लिंक है, ये वन तो कुछ है ही नहीं, वन छोड़ दीजिए, टू फॉर्मूला टू से लगा है ना। L5 प्लस 1। L5 मतलब L5 को +1 से जो करना है, जो करने के बाद बुरा होगा तो कॉन्डो से बुरा होगा तो प्रिंट करेगा प्लस, नहीं तो L5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक जी सही जी ना? जी जी बिल्कुल सही कहा, ठीक है, क्लियर सर, आगे बढ़े। अब यहां पे मैं यहां पे देखो क्या कर रहा, अब यहां पे जैसे मैंने 250 है, यहां पे अगर मैं 60 करके एंटर मारा तो 60 तक बन जाएगा, 10 किया तो 10 तक बन जाएगा, 5 किया तो 5 तक बन जाएगा। मैं कहता हूं कि 5 से 20, तो यहां पे 20 करूंगा तो 5 से 20 बन जाएगा, बन गया। ठीक है,